हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक पाटकर डीके की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या है कि समस्या जो है वही समाधान की जननी है, या आप कह सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन यहाँ पर आविष्कार से ज़्यादा या आवश्यकता से ज़्यादा समस्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे कोविड का सिचुएशन चल रहा है और हम इस टाइम पे अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा सकते। लेकिन क्या है कि इस समय अगर हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा सकते, इसका कहीं भी यह मतलब नहीं निकलता कि हम पढ़ नहीं सकते। लोग सभी प्रकार के एग्जाम्स देते हैं, जैसे कि एक होता है आपका बेसिक एजुकेशन और एक होता है एग्जाम की तैयारी। पिछली एजुकेशन में क्या होता है कि आप जो हम पढ़ रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी एक विषय के लिए या एक विषय चूज करता है, लेकिन जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वही बेसिक जो सब्जेक्ट है उसका अध्ययन हमको करने को मिले, बल्कि इस जो कंडीशन है या टर्म्स है इसके लिए हमको सभी सब्जेक्ट्स या विषयों की विषयवार तैयारी करनी पड़ती है। चूंकि मैं गणित छात्र रहा हूँ, इसलिए हम अभी इस क्लास में गणित के बारे में जानेंगे कि क्यों गणित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमको पता होना चाहिए कि हम किसी भी विषय का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम उसमें उतना स्कोर कर पाए। लेकिन गणित या मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसको जिसमें आप 100% नंबर अचीव कर सकते हो, और उसके पीछे कारण क्या होता है कि आपने यह देखा होगा कि एक छात्र होते हैं, एक प्रकार छात्र होते हैं जो जरूरी नहीं है कि सब इक्वल पढ़े। कुछ लोग कम पढ़ाई करते हैं फिर भी अचीव कर जाते हैं, कुछ लोग अधिक अध्ययन करते हैं फिर भी अचीव नहीं कर पाते, और उसके पीछे कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि उनका कोई ना कोई एक विषय वीक होता है। और यह अधिक लोगों में देखा गया है कि 99% जो छात्र होते हैं उनका गणित ही विषय वीक होता है, जबकि जो बच्चा अचीव करता है उसके लिए यही विषय होता है जो बोनस के रूप में काम करता है। अब वो कैसे काम करता है? एग्जाम्पल के लिए आप एक व्यापक का एग्जाम दिला रहे हो और उसमें 150 नंबर का सवाल आ रहा है, तो इस 150 सवाल में आपको 30 तो मेन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे और 15 तो रीजनिंग हो जाएंगे, यानी कि उसका 45 प्रश्न रेडी है। इसके साथ साथ वो बाकी के 105 जो क्वेश्चंस हैं उसके भी अच्छे से तैयारी कर सकता है। लेकिन जो छात्र जिनका यह 45 प्रश्न कमजोर है वो तो उसकी तैयारी कर ही नहीं पाएगा। इसके पीछे कारण यह नहीं है कि ये जो छात्र हैं ये गणित के छात्र हैं, बल्कि इसके पीछे का रीजन ये है कि उनकी समझ इन 105 नंबर की तैयारी करने वाले छात्रों से अधिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कमजोर है या ये होशियार है, बस थोड़ा सा दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप होता है, और यह कम्युनिकेशन गैप भी इन छात्र को ऊपर ले जाता है इन छात्रों को नीचे। जबकि हो सकता है कि ये प्रतिदिन 15 से 18 घंटा पढ़ते हो और ये मात्र 5 घंटा, फिर भी लोग ज्यादा नंबर लेके आते हैं। हम
अभी और आगामी की कक्षाओं में गणित के विषय का अध्ययन करेंगे। और इसके लिए हम ज्यादा कुछ बुक रिफरेंस नहीं करते, बल्कि केवल एक एच डी आपका बुक होना चाहिए घर पे या आपके पास, और उसी से हम हल करेंगे, लेकिन उसके विधि से हल नहीं करेंगे। क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि चार लाइन के जो आंसर है उसको एक लाइन में सबमिट देता है, जबकि हमको उसको व्याख्या करनी है। और जो बच्चे जो 105 वाले होते हैं, ये शायद इनसे ज्यादा इस विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी व्याख्या करने की जो इनकी प्रायिकता होती है वो इनसे कम होती है। इस कारण से यह छात्र सही से इस जो सब्जेक्ट है इस पे स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है ऑनलाइन क्लास में, इस कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि आगे की कक्षाओं में हम इसी एच डी आलोक की बुक, ये आपको किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगा, इसी बुक का हम विगत विषयवार अध्ययन करेंगे। इसमें प्रत्येक विषय की क्रम के अनुसार हम इसका अध्ययन करेंगे। और ये जो बुक है इसमें जो हल करने के तरीके दिए हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स दिए हैं अधिकतम जो प्रश्न है, जबकि हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स न करके लॉन्ग ट्रिक्स में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स में बनाने वालों की जो कैपेसिटी होती है वो स्थिर हो जाती है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म्स में इस क्वेश्चन को सोचें तो अगर हम किसी एक चैप्टर को अगर हम सही से उसका अध्ययन करें तो हो सकता है कि वह चैप्टर दूसरे चैप्टर को कवर कर दे। एग्जाम्पल के लिए आपका अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात कम से कम दो विषय आपके भिन्न और प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत के साथ साथ लाभ हानि, क्योंकि ये भी प्रतिशत का ही बोल सकते हो भाई है, वो कवर कर देगा। तो हम कल की कक्षाओं में या आगामी कक्षाओं में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। और ये जो संख्या पद्धति है इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको खुद से जारी करके रखने पड़ेंगे, जो कि बेसिक्स होते हैं। एक तो होते हैं गणित के फार्मूले, दूसरे होते हैं एक से लेकर 20 तक का पहाड़ा, और हो सके तो आप छठवीं से लेकर आठवीं तक या तीसरी से आठवीं तक की जो बुक्स है वो आप घर में पढ़ सकते हो, या आप उसको प्रेफरेंस पहले देना चाहिए, क्योंकि वो ही जो होते हैं एक अच्छे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स का छात्र है उसका आधार होता है। अगर हम जो बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत स्तंभ को ही नकार देंगे तो आगे का जो बिल्डिंग कैसे बनेगा। तो एक होता है संख्या पद्धति, दूसरा होता है गणित के सवाल को हम समझे कैसे। अभी इसको आप बिल्कुल क्लोज रख दीजिए इंडिया, क्योंकि ये अगले क्लास का चैप्टर होगा, हम केवल अभी समस्या पे बात कर रहे हैं। एक है लोग जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक बेसिक प्रॉब्लम होता है, उनको तो हल करना सवाल आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है वो सवाल ही नहीं समझ पाते। पहली बात तो आपको सवाल समझना आना चाहिए, और सवाल कैसे समझ में आएगा, आपको तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है इसको समझना पड़ेगा कि ये सवाल होता क्या है और सवाल आपसे क्या डिमांड कर रहा है। एक होता है कोई भी सवाल हो उस सवाल में तीन कंडीशंस फॉलो होते हैं, लेकिन वो दो लोगों को फॉलो होते हैं, एक प्रश्न करने वाले से और दूसरा उसका उत्तर देने वाले को। पर तो एक होता है प्रश्न करने वाले का जो कंडीशन कैसे होते हैं, एक होता है पहली बात तो सवाल के, एक होता है प्रश्न आपको
ज्ञान दे रहा है। ठीक है, सवाल का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, हमेशा प्रश्न में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स छिपे होंगे जो आपके उत्तर होंगे उसको इंगित करेंगे। दूसरा होता है जो छात्र उसका उत्तर दे रहा है या जो जो हम उत्तर देते हैं, जो उत्तर है वो क्या है, तो उसके लिए बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है कि वो एग्जांपल के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज के और एक साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का एक प्रश्न है। हो सकता है सवाल में दिया गया है कि यदि मोहन इतने प्रतिशत दिन में इतने साल में इतने रुपए का इतना साधारण ब्याज कमाता है, तो इतने प्रतिशत में इतने दिन में उसी का कितना चक्रवृद्धि ब्याज कमाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं एक, और ये प्रायः हर एक प्रश्न में लागू होता है। पहला कि वो प्रश्न आपको क्या दे रहा है, दूसरा होता है कि हमको प्रश्न से उत्तर आने के लिए क्या चाहिए ये आपके दो प्राइमरी है, और तीसरा आता है आपका कि प्रश्न आपको दे रहा है वो जो प्रश्न दे रहा है वो है ना जो आपका डिमांड को कैसे बढ़ा रहा है। एग्जांपल के लिए रेल का क्वेश्चन आता है, रेलगाड़ी या ट्रेन, तो उसमें क्या होता है हमेशा कोई भी एक आंसर आपको दिया होगा या एक क्या बोल सकते हैं आपको आंकड़ा दिया होगा, वह आंकड़े से आप दूसरा आंकड़ा निकालोगे और ये दूसरा आंसर आंकड़ा जो होगा वही आंसर का आधार होगा। तो आपको ये तीन जो बेसिक कंडीशन से प्रश्न इसको आपको ध्यान में रख के समझना होगा। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो, अगर नहीं आया है तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू अध्ययन चाहिए एक ही विषय का गणित का तो आपको हमारे चैनल पे आना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे ताकि मजे भी मिल जाए।